अलियर के ऐतिहासिक जयविलास पैलेस में 23 और 24 अगस्त को शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और निदेशकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना है। शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव की शुरुआत पिछले साल प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया द्वारा फ्लूइड वेंचर्स के सहयोग से की गई थी। साल के कॉन्क्लेव में 80 स्टार्टअप और 50 निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। दो दिवसीय इस आयोजन में 4 प्रमुख स्पीच, 6 पैनल चर्चाएं और 15 स्टार्टअप्स द्वारा निवेश पीच कार्यक्रम होंगे। आयोजकों के अनुसार शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव 2024 एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां स्टार्टअप्स, निवेशक और पॉलिसी मेकर मिलकर बेहतर नीतियां पर चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे। पिछले साल के सफल आयोजन में 40 निवेशकों और 50 स्टार्टअप्स ने भाग लिया था, जिससे इस वर्ष के कार्यक्रम के महत्व को और बढ़ावा देने इस साल कॉन्क्लेव में निवेशकों की बढ़ी हुई भागीदारी मध्य प्रदेश में स्टार्टअप परिदृश्य और भी अधिक प्रभाव डाल सकती है। दरअसल जयविलास पैलेस लंबे समय से कला, संस्कृति और प्रतिभा का संरक्षक रहा है, जो कौशल साझा करने, सीखने, प्रतिभा दिखाने और मार्गदर्शन के लिए मंच प्रदान करता है। जयविलास पैलेस जो कला, संस्कृति और प्रतिभा का संरक्षण करता है, इस आयोजन के माध्यम से व्यवसाय और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करेगा। शाइनिंग एमपी कॉन्क्लेव का उद्देश्य मध्य प्रदेश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करना है।